नन्ही दमन के वाड़ी फड़िया स्थित श्री राम मंदिर से पूजा अर्चना के बाद रामदेव बाबा पीर की ध्वजा यात्रा निकली। आचार्य संजय महाराज ने मंगलाचरण के बाद ध्वजा लेकर निकले पद यात्रियों को शुभेच्छा देकर प्रस्थान कराया। श्रद्धालुओं मिलो पैदल चलकर नामदा स्थित रामदेव बाबा पीर के मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ रामदेव पीर की पूजा के साथ ध्वजा यात्रा की पूर्णाहुति होगी। पिछले 7 सालों से श्री नवदुर्गा मित्र मंदिर दमन रामदेव पीर की यह ध्वजा यात्रा राजस्थान वासी निकालते आ रहे हैं। आज भी शाम करीब 4 बजे रामदेव पीर की ध्वजा यात्रा पूरे हर्षोल्लास से निकाली गई। गाते बजाते श्रद्धालुओं का दल रामदेव पीर के दर्शन के लिए वापी की ओर प्रस्थान कर गया। प्रोग्राम है इसका आयोजन श्री नवदुर्गा मित्र मंडल करता है। ये 7वां प्रोग्राम है हमारा। यहाँ से आज रवानगी हमारे गुरुजी संजय महाराज ने विधि विधान पूजा अर्चना करके हमारा रवान किया है। ये राम मंदिर नानी दमन से लेके चला होते हुए सोमनाथ होते हुए राम नामदा पे अपना रामदेव जी का मंदिर है। हर वर्ष की मंदिर ये ध्वजा आज वहाँ पे जाए। 7 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और इसमें 250-300 लोगों की मतलब संख्या होती है। इसमें प्रसाद का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग हमने बोलियाँ रखी थी, वो किसी ने डीजे की बोली थी, किसी ने प्रसाद की बोली थी, समाज का पूरे राजस्थानी समाज। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट। क्या हुआ? ठीक बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी एचआईवी की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के कोई भी विद्या शाखा में 12वीं पास छात्रों के लिए आया है सुनहरा अवसर। शुरू हो रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, ECG टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसी 24 विद्या शाखाओं में हो रहे हैं सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें www.vbch.dnh.nic.in या टोल फ्री नंबर 104 का संपर्क करें। याद रहे, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तालीम श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल जैसी अत्याधुनिक हॉस्पिटल में करवाई जाएगी। आइए अपना सुनहरा भविष्य
सुनिश्चित करें। एक पैरामेडिक बनके जनहित में जारी करता निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं दमण दीव दादरा नगर हवेली। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। वी हैव एस्थेटिकली डिजाइंड कंफर्टेबल एंड यूनिक इंटीरियर इन आवर रूम्स। वी हैव एस्थेटिकली डिजाइंड कंफर्टेबल एंड यूनिक इंटीरियर इन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल। लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती, देवका रोड, नानी दमन।